लोग भाजपा थे लेकिन इस बार भाजपा को नहीं देंगे। भाजपा थे आप लोग तो एनडीए वाले का तो घाटा हो गया। घाटा करना भी है, घाटा कर भी देंगे। हुकुम दे बाबू आए दोनों बार जो है कभी जनता को कुछ नहीं देखे न सेवा की, इसलिए अशोक बाबू क्या करेंगे। अशोको बाबू जो बाप का छांव होगा वो बेटो का छांव करेगा। दोनों नेता पतरका नहीं रहता है, सब पेट फुला के बड़का हो जाता है। काहे ऐसा काहे होता है? ऐसा ही होता है ना, पब्लिक का हक मार देता है। अगर वो पूछते तक नहीं गया कैसे है नहीं है। जीत करके तो आप यहाँ लौट करके नहीं आते, जीत के जाते हैं तो पांच साल तक लौट के नहीं आते। अच्छा आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम हुआ चंदन कुमार गिरी। चंदन कुमार गिरी, क्या मुद्दा होगा अपना मतदान करने का? जिसपे कोई नहीं खड़ा होगा नोटा पे वोट देंगे। नोटा पे दे दीजिएगा? इतना दुखी है? इतना दुखी नहीं है, जो मिलेगा उसको भी बोलेंगे उसी पे वोट देने। क्या भैया जी आपका नाम क्या हुआ? दिनेश यादव। दिनेश यादव जी ऐसा बोल रहे हैं? देखिए आप यादव जी होकर के बोल रहे हैं, यादव जी को इस बार मौका नहीं देना। काहे काहे? ये गलत आदमी है अशोक यादव। हुकुमदेव नारायण यादव जाने के लिए यानी मधुबनी लोकसभा को क्या दिया? जो नेता इच्छुक पैसा अपने इच्छुक कोष का पैसा सरकार को वापस किया, क्षेत्र में काम नहीं किया, वो तो नामर्द नेता है, वो तो नपुंसक राजनीतिक में है। अरे बाप रे, इतना बड़ा बात बोल रहे हैं? तो फिर राजद में ये नपुंसक है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। इस वक्त चुनावी चर्चा के लिए ग्राउंड जीरो पर मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के धमाद बाजार यानी जाले प्रखंड अंतर्गत टीम पक्की खबर पहुंची है ग्राउंड जीरो पर चुनावी चर्चा करने के लिए। ऐसे तो मौसम में काफी गर्माहट है, ऐसे तो मौसम काफी गर्म है, लेकिन चुनावी चर्चा में कोई गर्माहट चुनावी बाजार में नहीं देखने को मिला। जिस तरह से पहले हमारे साथ एक सरपंच प्रतिनिधि है और एक कहीं ना कहीं अनुभवी व्यक्ति है, कई चुनाव इन लोगों ने अपने कैरियर में अपने लाइफ में देखा होगा, क्या लगता है इस बार इतना जनता क्यों शांत है, खामोशी क्यों है इतनी? इसलिए मधुबनी लोकसभा से 10 साल हो गए अशोक यादव जी के, आज तक विकास ना करके मधुबनी लोकसभा में कोई चीज नहीं दिख रहा है। विकास का कार्य जो हुए नहीं हुआ है, इसलिए लोगों के कहना है कि विकास व्यक्ति जो मधुबनी लोकसभा में आवे है ना, विकास कार्यक्रम करे, मैं उन्हीं के चुनूंगा सांसद। आप एक प्रतिनिधि हैं, आप भी अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, बहुत सारी कमी बेसी रहती होगी तो जनता के बीच आप जाते होंगे, लेकिन क्या लगता है जिस सांसद का आप चर्चा कर रहे हैं वो इस क्षेत्र से मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुके हैं, वो कभी आप लोग के बीच आपकी समस्या सुनने के लिए आए? कभी नहीं है, कभी माननीय सांसद साहब नहीं आए। फातमी जी के जो इस बार जो है सांसद ने किनको किनको दीजिएगा? फातमी साहब को। फातमी साहब को दीजिएगा जी सर। यानी इस बार परिवर्तन चाहते हैं आप? जी जी, हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। क्या क्या शुभ नाम है सर आपका? राम प्रताप चौपाल। राम प्रताप चौपाल जी है जो कि कहीं ना कहीं सरपंच पद के प्रतिनिधि है। सवाल आपसे आखिरी करना चाहेंगे कि लोग इस बार खुल क्यों नहीं रहे? पहले तो 10 दिन 15 दिन एक महीना पहले ही लोग होटलों पे अलग अलग जगहों पे चौक चौराहों पे चुनाव का तैयारी करते थे, चर्चा करते थे कि हम एकरा दे रहे हम ओकरा दे रहे, लेकिन कई बार कोनो चर्चा नहीं। इस बार इसलिए नहीं लोग खुल के आ रहे हैं जी कि यहाँ के लोग समझ रहे हैं जी खुल के आवेंगे तो इसे एक बात है। घूमे घूमे सबको दिल में है कि फातमी साहब को इस बार विधान लोकसभा में भेजना है, एकदम दिल्ली उन्हीं को भेजना है, एकदम दिल्ली भेजना है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, इन लोगों से भी बात करके जानना चाहेंगे क्या इस बार चेंजिंग करना है जी, बदलना है सरकार को जी, और जो पहले से थे वो कोई काम वाम नहीं किए? नहीं। आप लोगों को क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? जी बदलाव होना चाहिए और संस्कार भी बदलना चाहिए। अब सरकार बदलना चाहिए और लगता है कि वो कभी आप लोग के बीच में भी नहीं आए नेता जी? जी कभी। सांसद को पहचानते भी होंगे कि नहीं आप लोग? नहीं, हम लोग नहीं पहचानते हैं, नहीं हमको कुछ विकास हुआ है, नहीं कुछ हमको देना, इसीलिए इस बार बदलना चाह रहे हैं। जी बदलना चाह रहे हैं। तो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के जाले प्रखंड के धमाद बाजार पे हूँ, धमाद चौक, और यहाँ पर और भी लोग हैं, और भी लोगों से बात करके जानना चाहेंगे। हमारे साथ एक युवा है, भाई साहब वोट तो देते होंगे? हाँ देते हैं। देते हैं, क्या लगता है कि इस बार चुनाव में कितने लोग कांग्रेस को वोट देंगे? कांग्रेस को वोट दीजिएगा यानी कि लालटेन छाप को वोट दीजिएगा? जी देना है। इंडिया गठबंधन को देना है ना? हाँ, इंडिया गठबंधन। तो मोदी जी के पार्टी को नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे, सरकार उनको चुनना है। अच्छा इस बार सरकारें बदल देना है, अलग सरकार चुनना चाह रहे हैं जी? क्या सुना है भाई आपका? रंजीत कुमार सानी। रंजीत कुमार सानी जी हैं,
एक युवा है, वोटर है, ये भी अपना मतदान करते हैं, अपना मत डालते हैं, तो कहीं ना कहीं चुनावी चर्चे में ये चर्चा काफी तेजी से हो रहा है। जनता तैयार है। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के जाले एरिया से मैं आपको कल भी रिपोर्ट दिखवा रहा था और आज भी ये कवरेज कर रहा हूं, तो ये पता चल रहा है कि बदलाव करना है, परिवर्तन करना है। और फातमी एक ऐसा नाम जो लोगों की जुबान पर, हर तबके की जुबान पर, महिलाएं हो, बच्चे हो या फिर जवान हो, उन सबके जुबान पर बैठता जा रहा है। क्या सच में ये नाम इस सीट के काबिल है? और भी लोग हैं, उनसे भी बात करके जाना चाहेंगे। कहीं ना कहीं धामाद बाजार है, मैं धामाद बाजार की ओर चल करके बात करना चाहूंगा। वहां पर बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे अलग अलग लोग जो अपनी अपनी प्रतिक्रिया डालेंगे, उन लोगों से बात करके जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। तो क्या इस बार चर्चा है, क्या माहौल है, वो बताने का प्रयास करेंगे। हालांकि काफी समय हो चुका हुआ है। देखिए, एक भाई है, युवा है, ये कुछ कहना चाहते हैं। क्या इस बार मौसम में तो काफी गर्माहट है, लेकिन चुनावी माहौल, चुनावी बाजार क्यों इतना ठंडा है? पब्लिक खुल क्यों नहीं रही है? कोई सरकार चाहे नहीं करता बिहार का विकास, इसलिए ठंडा है। हम लोग इसे उंगली से सरकार का भाग, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हम लोग का हाथ से अपना भागने बदलाता है। आप अच्छा, आप अपने मत को तो डालेंगे, अपने वोट को तो डालेंगे ही, तो क्या इस बार क्या मुद्दा होगा अपना मतदान करने का? जिस पे कोई नहीं खड़ा होगा, नोटा पे वोट देंगे। नोटा पे दे दीजिएगा? इतना दुखी है? इतना दुखी नहीं है, जो मिलेगा उसको भी बोलेंगे उसी पे वोट देने के लिए। ऐसा क्या है? अशोक यादव जी तो दो बार जीते हैं। बिहार का इतिहास उल्टा के चाहे पन्ना जो उल्टा ना उल्टा लीजिए, जो जीतता है यहाँ का विकास सोचता है, बताइए। अच्छा, अशोक यादव जी के भाषण में कहते हैं कि जाले क्षेत्र में हम अक्सर जाते रहते हैं। कई लोग से भेंट करते हैं, उससे पूछिएगा जी। कई लोग से यहाँ के भेंट करते हैं। आप कभी कहीं भेंट नहीं किए? कभी भेंट नहीं किए? पहचानते हो तो? पहचानते हो तो ऐसे करने वाला होंगे, उसी से भेंट करेंगे। हम लोग से भेंट नहीं करेंगे और पब्लिक से भेंट नहीं करेंगे। वो जितने के टाइम में, चाहे वोट के टाइम में आएगा लोग, हाँ हम ठीक है, ठीक है, करेंगे, जितने के बाद कौन आता है भेंट करने? अच्छा, तो आपके अशोक यादव जी से आपके ये शिकायतें हैं, लेकिन राजद के यादव जी से नहीं, कोनो नेता यहाँ जीतता है तो भेंट नहीं। अच्छा, पर्सनल किसी से नहीं, ये पूरे हर नेता से आपका ये शिकायत है? हर नेता से नहीं, हर क्षेत्र में वही हाल है, जो जीत गया वो चला गया। क्या शुभ नाम है आपका? शिव नारायण शर्मा। पहले से विधायक गए तो क्या कर दिया? अभी आएंगे भाषण में यही विकास कर देंगे। पहले से क्या कर दिए हैं? पहले से भी कोई विकास नहीं। हाँ, आरजेडी भी आने का तो वो कुछ नहीं करेगा। इसीलिए आप इरादा बना लिए नोटा पे? दोनों नेता पतरका नहीं रहता है, सब पेट फुला के बड़का हो जाता है। काहे ऐसा? काहे होता है? ऐसा ही होता है ना, पब्लिक का हक मार देता है। कोई का उचित मिलता है, आप ब्लॉक में जाइए, अभी राशन में नाम कटवाना है, किसी से बात करते तो क्या कहता है, 500 रुपया लगा नाम काटने का। अच्छा, जोड़ना है तो 1500 रुपया लगेगा, 6 महीने दबाता है लोग, क्या नहीं होता है, वहाँ कैदी में घुसने लगता है। तो कोई नेता, देखिए, कोई नेता नहीं चाहता है बिहार का भला हो। अगर भला होता तो सबसे ज्यादा मजबूत आदमी बिहार में है, लेबर बिहार में है, सब चीज बिहार में है, तो क्यों नहीं विकास होता है? दूसरा राज्य क्यों विकास होता है? ये बात नेता से आप वहाँ रोजगार है, दूसरे राज्य में रोजगार है। हाँ, यहाँ क्यों नहीं होगा रोजगार? यहाँ यही के लोग तो जाते हैं। यहाँ पे बीजेपी रहा, आरजेडी रहा, क्या जेडी रहा, सब यहाँ क्यों नहीं विकास होता है? बात सरकार के मुंह में ठूसी है। हाँ, तो पूछिए, चाहे जो सरकार तो हर बार यही कहती है कि इस बार जितने को नौकरी देंगे उतने को नौकरी देंगे। हाँ, हर बार कुछ न कुछ वादा तो करती है। अरे मैं लीजिए उसके मुंह में उड़ दीजिए, तब पूछिए काहे नहीं यहाँ रोजगार हो, काहे यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, क्यों बिहारी पलायन करते हैं? 1400 युवा भाई है, क्या लगता है इस बार जो वोटिंग होना चाहिए किस आधार पे होना चाहिए? रोजगार के आधार पे, नौकरी के आधार पे, या जिस तरह से बिहार का युवा बेरोजगार है उस आधार पे? बेरोजगार है उसके लिए होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब बेरोजगारी सही बात है, बिहार के लोग काफी ज्यादा बाहर जा रहे हैं और काफी परेशान होते हैं। अगर बिहार की सरकार, बिहार के नेता अगर बिहार की जनता के बारे में सोचते तो शायद ये दिन नहीं देखने को मिलता, लोग को बिहार से बाहर जाकर के कारोबार या फिर नौकरी नहीं करना पड़ता। ये युवाओं की जवाब है, ये युवाओं की जो प्रतिक्रिया है वो अपने आप में बिल्कुल सही है। हालांकि मैं और भी लोग हैं, उनसे भी बात करके जाना चाहेंगे। लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, हमारे साथ एक और भैया जी हैं, इनसे बात करके जाना चाहेंगे कि क्या इस बार, कई लोग तो कह रहे हैं कि हैट्रिक लगाएंगे यादव जी,
कई लोग कह रहे हैं कि उनको इस बार तो जगह भी नहीं मिलने देंगे। मन से हैट्रिक लगा सकते हैं। अच्छा, मन से हैट्रिक लगा सकते हैं उनका। इधर आ जाइए, इधर से आ जाइए। कुलदेव नारायण अपने फॉलोअर आदमी थे जी जी, वो तीन तीन बार जीते, क्या किए इस क्षेत्र के लिए। ये अशोक यादव क्या किए, किसी पब्लिक से भी इनका अच्छा संबंध नहीं रहा। तो फोन उठाते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। किसी कोई भी बता दे कि इमरजेंसी में फोन उठाते हैं ये, और न कॉल बैक करते हैं कभी। तो क्या इस बार परिवर्तन करना है? हाँ, परिवर्तन में तो लगे हुए हैं हम लोग। भाजपा थे लेकिन इस बार भाजपा को नहीं देंगे। भाजपा थे आप लोग, तो एनडीए वाले का तो घाटा हो गया। घाटा करना भी है, घाटा कर भी देना है। अच्छा, कर भी देना है। हमारा बस चले तो रिजल्ट भी देंगे। तो क्या क्या भैया जी, आपका नाम क्या हुआ? दिनेश यादव। दिनेश यादव जी ऐसा बोल रहे हैं? देखिए, आप यादव जी होकर के बोल रहे हैं, यादव जी को इस बार मौका नहीं देना। क्या है, क्या है, ये गलत आदमी है अशोक यादव। हुकुमदेव नारायण यादव जाने के लिए यानी मधुबनी लोकसभा को क्या दिया? जो नेता अपना इच्छुक पैसा, अपना इच्छुक कोष का पैसा सरकार को वापस किया, क्षेत्र में काम नहीं किया, वो तो नंबर दो नेता है, वो तो नपुंसक राजनीति में है। अरे बाप रे, इतना बड़ा बात बोल रहे हैं? तो फिर राजद में ये नपुंसक है। अच्छा ठीक है, एनडीए के इस कैंडिडेट के से आप इतना खफा है जी, तो क्या राजद के कैंडिडेट इस बार आया है साथ में साथ? चाहे कोई आए उनको देंगे, इनके अगेंस्ट में जो आएंगे उनको देंगे। अच्छा, हाँ, इनको हराने के लिए जो आएंगे उनको देंगे। तो आप भाजपा में थे, आखिर ऐसी क्या कमी हो गई जो आप एक से कार्यकर्ता है, फोन नहीं उठाते हैं, ना किसी के इमरजेंसी में आते हैं, ना कोई सुख सुविधा है, इनका कहीं कुछ चलवे नहीं करता, कोई पैरवी नहीं चलता है। लेकिन भाजपा वाले तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये नेता गलत है, ये अशोक यादव या हुकुमदेव यादव, ये नेता गलत है। बल्कि मोदी जी के नजर में ये ईमानदार हो, मजबूत हो, यादव के वोट काटने के लिए उनको दिया जाता है, लेकिन ये नेता का नाम गलत है, इसका करनी गलत है, इसका करनी है गलत है। ये दिनेश यादव जी है, कहाँ से है आप? जाले कमलपुर से। अच्छा, जाले कमलपुर से है। तो जाले कमलपुर से दिनेश यादव जी है, इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, और एक यादव जी होकर के अशोक यादव जी के बारे में, उनके पिताजी हुकुम नारायण देव यादव, वो भी ठगे हैं, उनके बारे में ऐसी बात बोल रहे हैं, और ये खुद अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं बीजेपी में था लेकिन अब नहीं हूँ। अभी नहीं, आरजेडी को फोन किए थे, लेकिन इस कैंडिडेट के चलते करेंगे। काहे कि जीत लेता है चला जाता है, सो जाता है अपने घर। 10 साल में नहीं आया आप लोग के पास? आने का तो छोड़ दीजिए, फोन करता है लोग तो उठाता नहीं है, इतना बुरा हाल है जी। ये मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की जनता का हाल है। हमारे साथ एक और भैया है, एक मिनट जो आप बात बोले थे, चलिए भैया नहीं बोलना चाह रहे, एक और भैया स्कूटी से है, एक मिनट रुकिए। अरे नहीं नहीं, देखिए आप लोग वोट तो करते ही है, अपनी राय नहीं रखिएगा तो कैसे होगा? कम से कम वोट के समय पे अपना एक राय जरूर रखिए, प्रतिक्रिया अपना रखना चाहिए। हम लोग आइए करीब आइए, ठीक है। एक मिनट क्या कीजिएगा, लालटेन को सपोर्ट कीजिएगा। हाँ, देखिए लालटेन को सपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं, हालांकि रात्रि का समय है। एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ, अनुभवी है, कई सारे चुनाव में ये वोट दे चुके होंगे और बहुत सारा तजुर्बा भी होगा इनको। क्या चाचा जी, क्या लग रहा है इस बार फिर से अशोक यादव जी को, यानी मोदी जी के पार्टी के नेता को जिताना है, या फिर लालू यादव जी के पार्टी के से जो नेता है उनको जिताना है? अच्छा, गंगा जी जा रहे उधर जाएंगे। अब पीछे पहले जो जीता हुआ था उसको तो काम क्या है? हम लोग का क्या करेगा, हम लोग कुछ काम नहीं किया, उसका पैसा वापस कर दिया। ये हालात है, हालांकि अब रात्रि का समय हो रहा है तो ज्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो भी कुछ लोग प्रतिक्रिया अपने डाले हैं, जो भी कुछ लोग बोले हैं, वो अपने अपने हिसाब से जो बात बोले हैं वो रिकॉर्ड किया गया है, और ये बातें सिर्फ आपको जाले क्षेत्र का, मैं जाले लोकल से हूं तो इसमें आपको कल जाले बाजार का दिखला रहा था, और आज जाले से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर आकर के ये कवरेज किया हूं, और लगातार चुनावी चर्चे में आपको अलग अलग जगह का चुनावी चर्चा करके दिखाता रहूंगा, चुनावी माहौल आपको बताता रहूंगा, और किस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया है, क्या इस बार लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता की क्या अपनी एक सोच बना ली है, जनता ने लोगों ने क्या एक अपना पकड़ बना लिया है,
क्या लोग इस बार चाहते हैं सच में, वो बताने का लगातार कोशिश करेंगे, वो अपडेट करना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर आपको मीडिया के द्वारा भी एक खेल किया जाता है, जो हकीकत होता है उसे छुपा दिया जाता है, और जो डुप्लीकेट बातें होती है, जो बनावटी बातें होती है, उसे बड़े तरीके से सजा करके, सलीके से सजा करके दिखाया जाता है। हमारे साथ रोजगार से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, यहां पर एक बूढ़े व्यक्ति भी है, इनको भी तजुर्बा होगा अपने करियर में, इन्होंने भी कई सारा वोट दिए होंगे। क्या लगता है चचा जी इस बार क्या लोकसभा चुनाव होने वाला है, सांसद महोदय किनको चुनना चाहेंगे आप? किनको चाहेंगे? जो बढ़िया काम करेगा उनको चुनेंगे। पिछले दो टाइम से चर्चे में रहे हैं अशोक यादव जी, इस बार उनको हैट्रिक लगवाएंगे? नहीं। क्यों नहीं? वो काम नहीं किया, हुकुमदेव बाबू भी काम नहीं किए, तो ये अशोक बाबू क्या करेंगे? उनके पिताजी के नाम ले रहे हैं? हाँ हाँ। अच्छा, हुकुमदेव बाबू भी कुछ नहीं किए, दो बार जीत के गए, कभी जनता को देखने भी नहीं आए। अच्छा, अशोक बाबू क्या देखेंगे? तो दो बार तो वो भी जीत गए। हाँ, तो एक बार ये भी जीते, मैंने ये हो रहा है तो क्या जो है, तो मोदी जी के पार्टी से है, लोग कहते हैं कि हमको ये नहीं देखना है कि आपको क्या लग रहा है। मोदी जी भी तो वही है, मोदी नहीं, देखिए लोगों का ये भी, हम लोग वीडियो बनाते हैं लगातार, लोगों से बातचीत करते हैं, तो ये लोगों का प्रतिक्रिया है कि सांसद चाहे कहलो रहे, मोदी जी है तो ठीक है सब। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, मोदी जी, अच्छा मोदी जी को एक बड़ा लाना चाहिए। क्या सुनना है भाई आपका? सुरेश सानी। सुरेश सानी जी बोल रहे हैं मोदी जी को एक बड़ा लाना चाहिए, लेकिन मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में सांसद किनको लाना है? सांसद में चाचा जी बता रहे थे, उन्हीं को आए दीजिए। बिल्कुल, ये तो यादव जी के खिलाफ जा रहे हैं उनके हिसाब से, मतलब कि ठीक ही बोल रहे थे, मगर फिर भी मतलब एक बार मोदी सरकार को आने दीजिए। अच्छा, एक बार और मोदी सरकार को आने दिया जाए, तो इस बार मन बना लिया है कि अशोक यादव जी को या फिर एनडीए को वोट नहीं करना है? दूसरे को कर देंगे, किसी को बदलाव कराना को नहीं। हाँ, बदलाव करना है। साल यानी दो टाइम आपके बीच सांसद रहे, दो नाराज क्यों है? दो बार हुकुमदेव बाबू आए, दोनों बार जो है कभी जनता को कुछ नहीं देखे, न सेवा की, इसलिए अशोक बाबू क्या करेंगे? अशोक बाबू जो बाप का छांव होगा वो बेटों का छांव करेगा, इसलिए ये है तो इनको छांट करके किन्हीं को दे देना है। तो ये है मधुबनी लोकसभा की जनता की प्रतिक्रिया, और ये बातें मैं कोई बनावटी नहीं कर रहा हूं, ना कोई स्क्रिप्टेड है, डायरेक्ट ग्राउंड जीरो पे उतरता हूं मैं, ये बता करके नहीं आया, या ये चचा जी से, या इन भाइयों से ये कह करके नहीं आया कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। हमारी जो प्रतिक्रिया होती है आप सभी जानते हैं, टीम पक्की खबर के बारे में, टीम पक्की खबर सच है तो खबर है, जो सच्ची बातें होती है, जिनके सपोर्ट का हो जिनके विरोध का हो, सच हमेशा कड़वा होता है, दिखाने का प्रयास करते हैं सच्चे तरीके से, सही तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ एक और भाई है, युवा है, क्या कुछ राय रखना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? रोड तो बनने नहीं किया है अभी तक, रोड दिखाइए ना, रोड दिखाइए। रोड तो सही में आप लोग के इलाके का बहुत दिक्कत है, हम सब समझ पांचों साल से मेंटेनेंस एक बार नहीं कभी हुआ है। तो सांसद तो 10 साल रहे हैं, तो काम एक बार भी नहीं ना देखे हैं कि हमारा रोड मंदिर क्षेत्र कैसे करीब हो, करीब हो काम देखने नहीं किया इधर सांसद महोदय, एक भी मैंने काम नहीं देखे कि हमारे रोड कैसा है क्षेत्र में, बार बार कई बार हम तो कहबो किया है हुकुमदेव बाबू को, जय इनको जीवेश बाबू को भी, विधायक जी को भी बोले, विधायक जी को बोले। तो खैर वो लोग एनडीए से हैं, लेकिन इस बार आपको कैंडिडेट के बारे में पता है ना कि राजद भी एक कैंडिडेट दिया है? राजद तो दिया है, फातिमा जी को दिया है, तो भरोसा जताएंगे उनके ऊपर या फिर हैट्रिक लगवाएंगे अशोक यादव जी का? अभी तो इस विषय में बोलना कुछ ठीक नहीं। अच्छा, उचित नहीं है बोलना? देखिए ये होते हैं असल वो वोटर जो हकीकत में सबको ताज पलटने का हक रखते हैं, ऐसे वोटर जो अंतिम समय तक खुलते नहीं है, लेकिन भैया कुछ तो इशारा कीजिए। नहीं, कुछ कहना कुछ कहना मुश्किल है, एकदम समझदार है, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हमारा मत है, हमारा वोट है, हमारी मर्जी है, हमको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। अशोक जी बात हम कहेंगे, हाँ, काम नहीं है वो नाराज है, जो हम लोग का मन साफ नहीं है, कोई भी देख रेख नहीं करता है, कभी मैंने आकर के पूछते तक नहीं गया कैसे है नहीं है, जीत करके जाते हैं लौट करके नहीं आते, जीत के जाते हैं तो 5 साल तक लौट के नहीं आते, नहीं आता। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है चंदन कुमार गिरी। चंदन कुमार गिरी, तो ये लोगों की प्रतिक्रिया थी, वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए मैं यहीं पर वीडियो को विराम देना चाहूंगा, और आपसे कहना चाहूंगा कि अगर वाकई मधुबनी लोकसभा चुनाव को असल हकीकत में आप देखना चाहते हैं तो आप
इसी तरह से ग्राउंड जीरो का भावना लीजिए, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट को जानने का प्रयास कीजिए, तो समझ में आएगा कि कौन किससे कितना खुश है, कौन किससे कितना संतुष्ट है। आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो से कैमरा पर्सन महिबुल्ला के साथ इफ़ एजी पक्की खबर, सच है तो खबर है।